तो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस देख रहे हैं, आज हम लोग जीआरडी स्टेडियम जो है हम आपको पूरा फुल दिखाएंगे, कहाँ पे क्या है, कहाँ कितना रूम है, कहाँ पे टॉयलेट है, क्या है, हम सारी चीज़ दिखाएंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो देख रहे हैं, अभी हम बाहर में हैं, अभी नाइट का जो व्यू है, नाइट के व्यू हम इसलिए दिखा रहे हैं कि अभी नाइट में कोई नहीं है ना, तो हम सब अब दिखा दे रहे हैं। अभी रात का हो रहा है, 10 बज रहे हैं, बहुत कोई है ऐसे दोस्त लोगों, बहुत कोई नहीं है। मैं देखिए ये जो है बाहर का नज़ारा, तो देख रहे गाइस यहाँ पे जो है ना क्लैपिंग होता है वहाँ पे, तो यहाँ पे पूरा बाहर का नज़ारा। और कल यहाँ पे मैच है, कल बेंगलुरु एफसी और जेएफसी के बीच में मैच है। तो गाइस देख रहे हैं ये वाला जो है ना इन गेट है, ये वाला इन गेट है। तो आज हम लोग को रूम मिला है उसमें, उसमें जैसे कि जेंट्स और लेडीज़ से हम लोग कल जाएंगे, उत्तराखंड जाएंगे। तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पर रूम इस प्रकार का है, सबको यहाँ पर लेडीज़ और जेंट्स पूरा घूम रहे देख रहे हैं। यहाँ पर क्लैंपिंग होता है देख रहे हैं, जितना भी क्लैंपिंग बॉय है यहाँ पर आकर ट्रायल दे सकते हैं, देख रहे हैं गाइस। तो वीडियो बने रहिए। टू दिखा रहा है गड़ा, तो यहाँ पर गेस्ट देख रहे हैं फूड एंड क्या लिखा है। टाटा स्टील स्पॉट क्लैंपिंग चैंपियनशिप, तो गाइस देख रहे हैं यहाँ पे इस प्रकार का है। और जो भी नहीं आया है जमशेदपुर, कभी आके एक बार बुक कीजिए। तो देखिए बाहर का नज़ारा, क्लैंपिंग बॉयज। तो गाइस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो होता है ना वो उत्तराखंड का कुछ सीन दिया हुआ है, पूरा व्यूज बना के पूरा जूम करते हैं, जूम आउट देख रहे हैं, पूरा बना हुआ है इसे। तो गाइस अगर आप भी वैसे कभी आ रहे हैं जमशेदपुर स्टेडियम, तो ये जो पूरा अंदर का है, बैक साइड का है, तो कभी विजिट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए जो डिगना में जो हुआ था अगला रैप्टिंग वाला, और रैप्टिंग होता है ये वाला होता है आउटडोर लीडरशिप कोर्स होता है, वाला करना होता है, हम लोग भी कर चुके हैं। और ये वाला देखिए, ये वाला जो है ना उत्तराखंड में ऐसा है, ये वाला क्लैंपिंग वाला, कल हम लोग भी वहाँ पर जाके करेंगे। कल तो नहीं, कल हम लोग का सुबह ट्रेन है 4:30 को ऐसा शायद है कुछ। तो अभी हम आपको दिखाते हैं बाहर का नज़ारा। अभी हम लोग जो जाएंगे स्टेडियम में, तो स्टेडियम में देखिए अभी नाइट का व्यूज़ कैसे रहता है। अभी आज लाइट चेक कर रहा था यहाँ पे, लेकिन अभी पर लाइट सब बंद कर दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जितना भी है जेबिल का बॉक्स लग गया है। देखिए यहाँ पे जो ना जेबिल के पूरा बॉक्स लगा हुआ है यहाँ पे, ओरिजिनल जेबिल वाला जो येला है। और नाइट का व्यूज़ देखिए कुछ इसी टाइप से है, पूरा सीट पूरा खाली खाली है, कल पूरा यहाँ फुल हो जाएंगे। जो भी कल मैच देखने आ रहे हैं कमेंट में जरूर कीजिए कि हम लोग भी आए थे बोल के। देख रहे गाइस यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है ना गाइस, कल यहाँ पे मैच है बेंगलुरु एफसी और जेएफसी के बीच में मैच है। तो वही हम लोग कल मिस कर जाएंगे मैच, देख नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोग को कल जाना है उत्तराखंड आउटडोर लीडरशिप कोर्स के लिए जाना है हम लोगों को। तो देख रहे हैं यहाँ नाइट के व्यू इस प्रकार का है इधर। तो चलिए हम डायरेक्ट आपको रूम लेके चलते हैं,
मतलब कौन सा रूम मिला हुआ है। कौन है रे बाबा? अरे खटकना है, कल जलवा दिखा देगा कल ये उन लोग का निखिल बिरला। ये वाला देखिए गाइस, मेल्स जो मेल का जो वॉशरूम है, ये वाला है वॉशरूम, बढ़िया ही है। अभी कोई नहीं आया तो हम आपको दिखा दे रहे हैं, कभी आइएगा तो इधर कितना साफ सुथरा रहता है। देखिए इधर देखिए, ये हम लोग बदल भैया देखिए, यहाँ पर रूम हम लोग का यहाँ मिला हुआ है। रूम इधर हम लोग ऊपर में सोए हुए हैं, ये धनबाद का ही लखन लोग भी आया हुआ है। रुस्तम भैया क्या कर रहे हैं? पैसा मिला के। और मदन भैया क्या कर रहे हैं आप? वीडियो देख रहे हैं। क्या चीज़ का वीडियो? ये यूट्यूब में थोड़ा फुटबॉल देख रहे हैं। अच्छा तो कल यहाँ मैच है जो मिस कर रहे हैं क्या? मैच थोड़ा देखेंगे। अच्छा ठीक है, ठीक है दोस्तों, गुड नाइट, कल सुबह मिलते हैं।